कोई तो नहीं आ रहा है। क्या यार मोनू, तू हमेशा सनकी सनकी बोलता रहता है। डरा मत कर ज्यादा, जितना तू डरेगा उससे ना उतना वो तुझे डराएगा। और उनको स्कूल वाले तनख्वाह देते हैं पढ़ाने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं। डरो मत, उनका सामना करो। और एक बात और, जैसे ही सनकी सामने आए ना उसको उंगली दिखाकर बोलो, सर आपको तनख्वाह मिलता है पढ़ाने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं। सर हम आपसे डरते नहीं है। नहीं डरते हैं तो डरा करो। वो हमें अनुशासन सिखाते हैं। हम क्या, हमारी 7 पीढ़ियां भी उनसे डरती हैं। मैं तो सर से डरता था, डरता हूँ और डरता रहूँगा। क्या बोल रहा है तू यार, क्या हो गया तुझे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं नहीं, तुम लोग अपना सभा आगे बढ़ाओ, भाषण जारी रखो। ना तुम लोगों को पढ़ना है, ना तुम लोगों को लिखना है, बस सारा दिन खाली बकवास करते रहते हो। पूरा साल निकल गया है, पूरा साल। अगले महीने तुम लोगों का पेपर है और तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है तुम लोगों को अपने भविष्य की। पेपर सर पे है और ये लोग नाच गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सॉरी सर। सॉरी सर। सर जी सॉरी जी। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठो, आज तुम लोगों की कुछ सेवा कर देता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी धुलाई नहीं हुई है। चलो अपनी अपनी सीट पे बैठो, तब बताता हूँ तुम्हें। आज लग रहा है ना कि हमें सनकी सर से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, आज तक जितना भी सिलेबस कराया गया है पूरा याद है तुम लोगों को? यस सर, मेरी पूरी तैयारी है, मुझे सब कुछ याद है। आप जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश बच्चे, शाबाश। यही जुनून और विश्वास होना चाहिए सभी विद्यार्थियों में। शाबाश। हारे समोकंतु। जी जी बिल्कुल, मेरी भी तैयारी है सर, पूरी तैयारी। हारे मोनू, तू बता। सर जी, मेरी भी पूरी तैयारी है, मैं किसी से कम हूँ क्या? वाह वाह, क्या जुनून है तेरे अंदर। बस यही जुनून और आग होना चाहिए तुम सभी बच्चों के अंदर। एक दिन तुम सब बच्चे इस भारत देश का नाम बहुत ऊंचा करोगे। आज मुझे लग रहा है हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री हमारे क्लास का ही कोई होगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है समोकन? चुप रहे यार, इसके हाँ में हाँ मिलाता रहे, नहीं तो डंडा खाएगा। हाँ जी सर, मुझे भी लग रहा है हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री हमारे क्लास में से ही कोई होगा। सभी बच्चे आप शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों से मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो हर बार पेपर में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी सर, एकदम पूछिए। चल समोखन, तू ही खड़ा हो जाओ सबसे पहले। मैं अच्छा ठीक है, खड़ा हो रहा हूँ। तू ये बता कि समबाहु और विषमबाहु क्या होते हैं? सर, समबाहु और विषमबाहु दो राक्षस हैं, दोनों सगे भाई हैं, एक माँ के दो बेटे। क्या, दोबारा बोलना। सर जी, समबाहु और विषमबाहु राक्षसों के नाम है सर। अरे तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? समबाहु और विषमबाहु राक्षस हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ से पढ़ा है तू? सर लगता है जी महाभारत से। महाभारत में लिखा है? नहीं सर, शायद रामायण में पढ़ा हूँ। रामायण और महाभारत पढ़ता है? किताब तो तेरे से पढ़ा नहीं जाता है। सर याद नहीं आ रहा है, पर पढ़ा हूँ सर, किसी किताब में लिखा था। याद कर समोखन यार, याद कर, जोर लगा के याद कर, शायद याद आ जाए और तू बच जाए। इस क्लास में कोई है जो बता सकता है कि समबाहु और विषमबाहु क्या है? समबाहु और विषमबाहु त्रिभुजों के नाम है, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। गुड बेटे गुड, बैठ जाओ। तू क्यों बैठ गया रे, तुझे किसने बोला बैठने को? आपने बोला बेटा बैठ जाओ, तो मुझे लगा शायद मैं भी हूँ। मैं भी सर थोड़ा थोड़ा सोच रहा था जी कि शायद त्रिभुज है जी। तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे सोचने की शक्ति जा चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तैयार हो जा। जी सर पूछिए, इस बार तो एक मिनट में जवाब दे दूंगा। बहुत ध्यान से और दिमाग खोल के क्वेश्चन सुन।
क्वेश्चन है 20 नंबर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मान ले तेरे घर में एक बकरी है जो 1 लीटर दूध देती है। उस दूध को तू मार्केट में ले जाकर 35 रुपए लीटर बेच देता है, और जब तू वापस घर आता है तो तुझे पता लगता है कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। उनको चाय पिलाने के लिए तेरी मम्मी बोलती है कि जाकर 1 लीटर दूध ले आ, और जब तू मार्केट दूध लेने जाता है तो तुझे 42 रुपए लीटर दूध मिलता है जिसमें 150 ग्राम पानी मिलाया हुआ है। तो तू ये बता कि तुझे कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ। बता रे कितने का नुकसान हुआ तुझे? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या तुझे? तू तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ तुझे अब? सरमोखन चल ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो जा, हाथ ऊपर करके। करता हूँ अभी तेरी सेवा। हाँ रे मोनू तू खड़ा हो। जी सर बोलिए। मोनू तेरा भी सेम सवाल है, बता कितने रुपए का नुकसान हुआ? सर जी मैं दूध लेने मार्केट जाऊंगा ही नहीं। फिर चाय कैसे बनाएगा? पड़ोसी से दूध मांग लूंगा। पड़ोसी के यहाँ भी दूध नहीं हुआ तो? तो अपने दोस्त के यहाँ से ले आऊंगा दूध। अगर उसके यहाँ भी दूध नहीं मिला तो? तो सर पूरे मोहल्ले में मांगूंगा। अगर पूरे मोहल्ले में भी दूध नहीं मिला तो? सर जी किसी भी गाय भैंस बकरी घोड़ी गधी सूअर कुतिया के दूध का चाय बना के पिला दूंगा, लेकिन दूध लाने बाजार नहीं जाऊंगा। तू भी हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा इसके साथ। चल गोलू अब तू खड़ा हो। सर जी वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मैं मैथ पढ़ के बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैथ को छोड़ के कहीं से भी सवाल पूछ सकते हो। क्यों रे तू आज मैथ का व्रत रखा है क्या? सर कल पूछ लेना सवाल मैथ का। उठ 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 बैठ क्यों रहा है? मैथ का नहीं तो कोई और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तेरे से। ठीक है सर पूछ सकते हो आप। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुड गुड एक और बता ओबामा का पूरा नाम क्या है? सर जी कहीं सुना तो था लेकिन हल्का हल्का। हाँ जी सर याद आ गया याद आ गया। ओबामा बिन लादेन। ओबामा बिन लादेन। शाबाश शाबाश गुड गुड बहुत अच्छे। ऐसा कर तू भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। तू भी आ जा बोलू इधर ही खड़ा हो जा। तू बता रे राजू तुझे तो राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता है, बता। नहीं सर जी मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। ऐसा क्यों? सर जी मेरे डैडी बोलते हैं स्टूडेंट को राजनीति से दूर रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए और IAS IPS बनकर देश की सेवा करनी चाहिए। चल ठीक है बहाने ना मार बैठ जा। हाँ तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले हफ्ते से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हैं। मैं सभी बच्चों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगवा दूंगा सवेरे। कल सभी बच्चे किताब लेके आएंगे। इन पेपरों में जितने अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे उतने ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, उतनी ही अच्छी नौकरी मिलेगी और उतनी ही अच्छी कंपनी में काम मिलेगा और जिससे तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगा। तो मैं तुम लोगों से यही कहूंगा पेपरों में अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अब बहुत अच्छे नंबर लेके आएं। और तुम तीनों ये क्या हो रहा है रे? रुक जाओ तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले हो।